हेलो एवरीवन, आई एम राज प्रसाद एंड वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। हालांकि मार्केट में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि अवेलेबल हैं, जैसे कि फाइनल कट प्रो है, डाविंची रिजॉल्व है, फिल्मोरा है, मैजिक्स मूवी एडिटर है, विंडो मूवी मेकर है और प्रीमियम प्रो है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक प्रोफेशनल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप फिल्मोरा यूज़ कर सकते हैं, विंडो मूवी मेकर यूज़ कर सकते हैं, मैजिक्स मूवी एडिटर यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप बिगिनर्स हैं तो आप इन सब सॉफ्टवेयर का यूज़ करें। अगर आप प्रो हैं, प्रोफेशनल, अगर आप प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप प्रीमियम प्रो सीखें। इसके अलावा अगर आप मैक यूज़र हैं तो उसके लिए फाइनल कट प्रो इज़ द बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, और विंडो में प्रीमियम प्रो इज़ द बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। जो प्रीमियम प्रो है सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के लिए है, ये बिगिनर्स के लिए नहीं है। और एक चीज़ और बता दूं कि जो प्रीमियम प्रो है एक पेड सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ, जो कि मैं यूज़ करता हूँ प्रीमियम प्रो, तो इसका कुछ बेसिक इंटरफेस मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रीमियम प्रो होता कैसा। तो आ चुके हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये रहा प्रीमियम प्रो 2020 मेरे पास। एक्चुअली क्या है कि मैंने अपने कंप्यूटर पे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रखे हैं, तो ये अपना प्रीमियम प्रो आ गया बेस। जैसे आप प्रीमियम प्रो खोलते हैं तो कुछ ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे वो लिस्ट हैं जो मैंने अपनी वीडियोस बनाई हैं। आप यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट खोल सकते हैं या फिर ओपन जो प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ओपन प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं और न्यू प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम कोई नई वीडियो एडिट करते हैं तो हम न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं, न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम दे सकते हैं डेमो। ओके, यहाँ पे इन सारी सेटिंगों को आप वैसे एज इट इज रखिए, छोड़ दीजिए। अगर आप इसमें नो प्रीमियर प्रो, जैसे आप इसको खोलते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलता है। और ये है प्रीमियम प्रो। यहाँ पे हम एडिटिंग सेक्शन है, कलर सेक्शन है, इफेक्ट सेक्शन है, ऑडियो के लिए है, ग्राफिक है, लाइब्रेरी है, और ये जो है अपना सोर्स मॉनिटर है, ये है प्रोजेक्ट मॉनिटर, और ये है प्रोग्राम, और ये है टाइम लैम। क्या होता है कि जब भी हम वीडियो एडिट करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से हम वीडियो को इंपोर्ट किया जाता है और यहाँ पर वो वीडियो शो होती है। यहाँ से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, करते हैं फिर टाइम लैम पर, टाइम लैम पर हम एडिटिंग करते हैं। जो फाइनल आउटपुट हमें दिखाई देता है वो प्रोग्राम पर दिखाई देता है। तो एक बार मैं छोटा सा आपको डेमो दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये वीडियो है, हम इसको ये वीडियो हम जैसे प्ले कर दें। स्माइल स्माइल स्माइल, हंसो एक बार। तो फॉर एग्जाम्पल हमें इस वीडियो के अंदर यहाँ से लेना है तो आई दबाएंगे और प्ले करके स्माइल हमें आउटपुट यहाँ से ओ दबाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसको लेकर आएंगे टाइमलाइन पे, टाइमलाइन पे तो फाइनल जो आउटपुट हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अगर हम किस तरह की कलर ग्रेडिंग करते हैं भाई, जाके लुमेट्री कलर में लुमेट्री स्कोप खोल देते हैं, इसका बेसिक करेक्शन, और इसको हम थोड़ा सा ये हाईलाइट अगर हमने इसको ये किया तो बेसिक कलर करेक्शन किया है तो वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके अलावा थोड़ा सा टूल के बारे में बता दूँ मैं आपको ये टूल है मूव सिलेक्शन टूल। आपको सेलेक्ट करना है वीडियो को आगे पीछे सिलेक्शन टूल, और ये है ट्रैक फॉरवर्ड टूल है, यानी अगर हम ए भी दबा देंगे तब भी हो जाएगा। इसको हम सेलेक्ट करके आगे ले जा सकते हैं, ठीक है, और शिफ्ट करके ए प्रेस करेंगे हम तो इसको हम बैकवर्ड लेके जा सकते हैं। ए दबाएंगे तो आगे, शिफ्ट ए दबाएंगे तो पीछे। उससे आगे रिपल एडिट टूल है, ये रिपल एडिट टूल है। अगर आप कहेंगे तो इसके बेसिक ट्यूटोरियल एक मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाऊंगा। यहाँ पे कट टूल है, आप कट कर सकते हैं, कट करके अलग कर सकते हैं। शिफ्ट बैक, शिफ्ट कंट्रोल जेड दबाएंगे तो आप वो हो जाएगा बैक स्पेस। ये पेन टूल है,
मास्किंग के काम आता है, ठीक है। उसके बाद ये मूव टूल है, किसी भी चीज़ का मूव करना है। यहाँ पे मान लो आपने कोई टेक्स्ट लिख दिया फॉर एग्जाम्पल, तो उसको मूव करने के लिए, तो ये सारे टूल हैं जो प्रीमियम प्रो के अंदर हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप एक्चुअली क्या हो गया ना कि मेरे कंप्यूटर में काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल कर रखे हैं, जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही है। तो यही सब चीज़ें थी जो कि प्रीमियम प्रो में है, काफ़ी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है एडिटिंग के लिए। अगर आप एक प्रोफेशनल लेवल की वीडियो एडिटिंग करना चाहते हैं तो उस पर आप जा सकते हैं प्रीमियम प्रो पे। और इसके अलावा अगर आप विंडो मैक यूज़र हैं तो उसके लिए आप फाइनल कट प्रो यूज़ कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एडोबी प्रीमियम प्रो के बारे में। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।